दोस्तों, अगर आप भी घूमने जा रहे हैं वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम टूर करने जा रहे हैं या फिर घूमने या फिर कुछ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, तो आप जाने से पहले सर्च करते हैं होटल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, होटल आपको बीच के पास अगर लेना है तो बीच के पास भी मिल जाएगा। बीच का नाम आर के बीच है, तो आपको पता होगा आर के बीच जो है वो दो है, यानी कि एक है ऋषिकोंडा बीच और एक है रामकृष्ण बीच। तो रामकृष्ण बीच जो है वो नहाने के लिए नहीं है, फ़न करने के लिए नहीं है। एक है ऋषिकोंडा बीच, वहाँ पे आप फ़न कर सकते हैं, उसका मैंने पर्सनल वीडियो दे दिया है दोनों बीच का, वो आप विशाखापट्टनम टूर वाले लिस्ट में जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग होटल बुकिंग का। तो होटल आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर बुक करना है तो आप रामकृष्ण बीच के सामने बुक कर लीजिए या आर के बीच के सामने बुक कर लीजिए, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, 11-12 किलोमीटर का डिफरेंस है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों बुकिंग कैसे करना है। तो बुकिंग या तो आप ऑनलाइन कर लीजिए या फिर आने के बाद ऑटो वाले को बोलिए, आप ऑटो वाला आपको लेके जाएगा। आप अपना जो भी बजट बताएंगे उस बजट के हिसाब से वो लेके जाएगा और आपको बुकिंग करा देगा। वो लोग कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है, आपको बस 150 रुपये एक्स्ट्रा लेगा आपसे कि जहाँ जहाँ वो लेके जाएगा वहाँ तक का वो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। ये मैं आपको कुछ छोटा सा दिखा दे रहा हूँ जो कि रामकृष्ण मिशन जो बीच है उसके बगल में है, ऋषिकोंडा बीच के पास बहुत ही कम आपको मिलेगा होटल, वहाँ पे पर्सनली ही आपको जाना पड़ेगा। इसलिए आपको जो समरीन म्यूजियम है वहाँ पे रामकृष्ण बीच जो है उसके पास, रामकृष्ण बीच यानी समरीन म्यूजियम रामकृष्ण बीच सामने सामने है, तो वहीं पर आप अगर होटल ले लेते हैं, ये मैं वहीं का लोकेशन दिखा रहा हूँ, तो आपको बेटर रहेगा और ईजी पड़ेगा। और हमने जो लिया था या फिर आप कहीं रेलवे स्टेशन से आ रहे तो रेलवे स्टेशन पर आप मत लीजिएगा रूम, वहाँ से काफ़ी दूर पड़ेगा। कोई भी एरिया में घूमने जाएंगे तो आपको दूर पड़ेगा। आप बस स्टैंड के पास ले सकते हैं, बस स्टैंड के पास हमने जो रूम लिया था उसका वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में आपको दिखाऊँगा, वहाँ का मैंने वीडियो कुछ किया था। तो आप देख लीजिए, ये रोड के साइड बहुत सारा लग्जरियस होटल है जिसका प्राइस भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर जो होटल आपको मिनिमम मिलेगा वो 1000 रुपये से स्टार्ट होगा, 1000 से स्टार्ट होगा। ऐसा आप सोच करके अगर आएंगे घर से कि 500-400 में हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। 1000 रुपये मिनिमम आपको सोच करके आना है तो आपको यहाँ पे होटल मिल जाएगा आसानी से। ये देखिए एयरक्राफ्ट म्यूजियम यहाँ पे है, इसके पीछे भी होटल्स है, इसके ठीक सामने समरीन म्यूजियम है, इस साइड में आपका समरीन म्यूजियम है लेफ्ट साइड में। तो देखिए एकदम चहल पहल है, शाम का समय है, तो यहाँ पे मैंने कुछ देर टाइम अपना बिताया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी होटल्स है, आप चाहें तो यहाँ पे भी होटल्स ले सकते हैं। प्राइस वही पड़ेगा सामने, अगर बीच का सामने लेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। थोड़ा सा महंगा मतलब क्या है कि 1500 से स्टार्ट होगा और ख़त्म 5, 6, 7, 10 तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन मिनिमम इसमें अगर खोलना है मिनिमम से मिनिमम में, तो आप ऑटो वाले को सीधा रेलवे स्टेशन से उतर के ऑटो वाले को बोलिए कि मुझे एक रूम दिला दो। सबसे सिंपल तरीका है, वो आपको रूम 100% दिला देगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो फिर आप बीच साइड जाकर ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। इस तरह से ही आपको रूम लेना है दोस्तों, इस तरह से अगर रूम लेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर ऑनलाइन बुकिंग आपने किया हुआ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ का जो फेमस, जहाँ से बस का टूर चालू होता है, हेरिटेज होटल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। मतलब आप बस का बुकिंग लेते हैं, जैसे कि बस का टूर यहाँ पर होता है लोकल साइड से ना राघो वैली का, उसका टूर पैकेज कैसे लेना है उसका भी मैंने कंप्लीट वीडियो जो है अपने विशाखापट्टनम टूर वाले लिस्ट में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से बुकिंग लेना है। शाम का समय है दोस्तों, लगभग 5-5:30 अभी हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ से ही सारा बस खुलता है, इसका नाम है जो होटल का नाम है यात्री निवास, ये पड़ता है, लोकेशन है अप्पू घर। आप याद रखेंगे लोकेशन अप्पू घर, बोलेंगे किसी को भी रेलवे स्टेशन से तो आपको यहाँ पे लेकर के आ जाएगा अप्पू घर चौक, ठीक है। चौक को वहाँ पे जंक्शन बोलते हैं, तो आपको अप्पू घर जंक्शन बोलिएगा तो यहाँ पे आपको लेकर जाएगा। एपी टूरिज़म का यहाँ पर ऑफिस है, इसको हरिता होटल के नाम से भी जानते हैं। एपी टूरिज़्म का इसके अंदर ऑफिस है और इसके अंदर स्टाफ भी है। ये देखिए यही होटल है, इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 1500 से स्टार्ट हो जाता है नॉन एसी, इसके बाद एसी वाला जो है वो 2200 का है। कोशिश कीजिए अगर उसमें मिल जाए तो ठीक है। और हम लोग तो यहाँ पर रूम लिए थे, तो यहाँ का जो है रूम, ये देखिए इसका भी नंबर मैंने आपको दे दिया, इस पर भी कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं। वो सब भी होटल है, देखो लाइन से वो भी होटल है, वो भी होटल है।
उधर भी होगा, इधर भी होगा, ऐसा नहीं है, इधर भी दो तीन को है ना, इधर भी होटल है, इस साइड भी होटल होगा। ठीक ही है। अच्छा इधर से देखने में लग रहा वीआईपी रूम है, नहीं लग रहा? कोई भी इतना दूर आएगा तो बोलेगा ठीक है। खाली एसी और नॉन एसी का फर्क है ना, रूम साइज सब बाकी सब सेम है। रूम खुल दोस्तों, अभी मैं आपको एसी रूम दिखा रहा हूँ। एसी रूम इस तरह का आपको मिल जाएगा, ये लगभग 1400 रुपये का है और यहाँ पे एसी देखिए लगा हुआ है। और इसका बाथरूम वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ नीट एंड क्लीन है। और आपको मैं 1000 रुपीस का भी रूम दिखा देता हूँ जो कि नॉन एसी रूम है। इस तरह का ही रूम मिलेगा, एसी रूम है ये, नॉन एसी रूम में मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो में अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ।